सब लोग हंसे, लेकिन यही बात हो रही है कि इलाज कर दे। इलाज किसका करना चाहिए? कि कल नया सवेरा है, ऐसा हौसला होता है किसान का, ऐसा मादा होता है किसान का। और ये 13 महीने किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने जंजीर सड़क पे बिछा दी, पानी की बौछार जिस दिन हमने हराए, तुम्हारे आगे कोई किसान कभी हारा? और ना चौधरी अजीत सिंह जी हारे, वो तो जीत के चले गए कि उन्होंने भाईचारा हमारा बना दिया। हम और आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन ये कठोर कड़वा सत्य है और ये आज का सत्य है, आज की शासन प्रणाली का सत्य है। ये पोल खुल रही है, तरह तरह के वादे करके, बड़े लुभाने वाली बात करके आप लोगों की वोट इन्होंने बटोरी थी, और वादे इतने अच्छे किए थे हर वर्ग को समझाने के लिए। अमित शाह जी आए, इस विधानसभा की बात बता रहा हूं, कह गए थे कि किसानों के घर 5 साल बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली का बिल आ रहा है नहीं आ रहा? मीटर लग रहे हैं? कैसे दोगे बिल? भुगतान हुआ था 14 दिन में। अब वादा था, कह गए, उनको आपकी वोट चाहिए थी, ले गए। इन्होंने करोड़ों रोजगार देने की बात कही थी, कहा करोड़ों से धड़ाम करके गिरे हैं। और अब प्रधानमंत्री रोजगार मेला करते हैं, जिसमें 71,000 लोगों को, जिनकी नौकरी 1.5 साल पहले लग चुकी थी, उनको बुला करके एक चिट्ठी पकड़ा रहे हैं। ये हालात है देश के हो गए। गरीब के हौसलों को ये लोग नहीं समझ पाए, गरीब के इरादों को ये नहीं समझ पाए, गरीब के सपनों को ये नहीं समझ पाए। अन्नदाता तो भगवान का रूप होता है, और अन्नदाता किसान के साथ खेत में, उसे खेत को जमाने में मेहनत करने वाला मजदूर भगवान का रूप होता है। ईंट पे ईंट लगाकर घर का निर्माण करने वाला श्रमिक भगवान का रूप होता है। अपने हाथ से और कारखाने में कपड़ा बनाने वाला बुनकर भगवान का रूप होता है। आज इस भरी सभा में पूछता हूं, क्या किसान और मजदूर और बुनकर जो भगवान का रूप है, ये अपने आप को धार्मिक बताते हैं? क्या ये लोग आपको मानते हैं? इन्होंने आपका सम्मान रखा? अभी हमारे आदरणीय मंजूर साहब ने बात बताई इलाज वाली, पहली बार सुनी, सब लोग हंसे, लेकिन यही बात हो रही है कि इलाज कर दे। इलाज किसका करना चाहिए? जो मन में नफरत पालता है, जो नफरत पालने वाले का तो ब्लड प्रेशर भी, पारा भी ऊपर चढ़ा होता है, वो कभी मुस्कुरा नहीं सकता, उसके अंदर क्रोध होता है, क्रोध, वो ज्वालामुखी कब फट जाए, किस पे फट जाए, किसी को मालूम नहीं। लेकिन हमारे लोग धैर्य वाले हैं, हमारे लोग मुस्कुराने वाले हैं, हमारे लोग हिम्मत वाले हैं। खेती तबाह हो जाती है, दाम मिलता नहीं मंडी पे, फिर जो है अपने आप को समेट के परिवार को हिम्मत के साथ फिर दोबारा जुटता है उसी काम पे। कल नया सवेरा है, ऐसा हौसला होता है किसान का, ऐसा मादा होता है किसान का। और इसलिए 13 महीने किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने जंजीर सड़क पे बिछा दी, पानी की बौछार, लाठी, गाली गलौज, जो कुछ भी सरकार के बस में था उन्होंने आपके आगे रोड़े तैयार करके बनाए। लेकिन वो आपका जज्बा था, आपका हौसला था, आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आप हारे नहीं। और आज वो लोग जो कहते हैं कि चौधरी अजीत सिंह हमने हराए, तुम्हारे आगे कोई किसान कभी हारा? और ना चौधरी अजीत सिंह जी हारे, वो तो जीत के चले गए कि उन्होंने भाईचारा हमारा बना दिया। और अब ये समय बताएगा, ये तो समय बताएगा कैसे आपत्तिजनक बोल बोलने वालों का आप लोग 5 तारीख में क्या करो। ये समय बताएगा। आज आपने बड़ा आशीर्वाद दिया, और आपने मंच की तरफ एक तस्वीर जो हमने बनाई है उसकी तरफ गौर किया होगा। ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या जीत अपनी पक्की करने के लिए हमने गठबंधन नहीं किया है,
ये एक उभरते भारत की नई तस्वीर और नए लीडरशिप की तस्वीर है, एक नया सामाजिक समीकरण है जिसके बल पर खतौली से चलकर दिल्ली का समीकरण हम बिगाड़ देंगे। जो लोग दमनकारी नीति अपना रहे हैं और वहां से लेके फिर अगली बार उत्तर प्रदेश की गद्दी को भी हिलाने वाला यही समीकरण है जो तीनों पार्टी का समीकरण हमने बनाया है। और चंद्रशेखर जी ने बताया कि जन्मदिन है, चंद्रशेखर जी मैं इनकी तरफ से वादा कर रहा हूं, कर दूं वादा, तिसंग का कलाकंद बहुत फेमस है कि नहीं, तो इन्हें तोहफे में वोट देना और जीत जब 8 तारीख को खुलेगी उसके बाद मैं इन्हें तिसंग का कलाकंद खिलाऊंगा।